हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। और आज हमारे पूरे हो गए हैं 1000 सब्सक्राइबर और उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जर्नी अभी जस्ट शुरू हुई है, बहुत सारे वीडियोस हैं जो डालने हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे बात करनी है और कितने सारे सिनेरियोज हैं जहाँ पे लोगों के आते हैं। ये चैनल बनाने का मकसद हमारा यही था और उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जब भी आप वीडियो देखें, पक्का चैनल को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे सब कुछ फ्री रखना है और फ्री रखने के लिए मेरा सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या खाइए? प्रिंगल्स। मैंने ये इस उम्मीद में लिए थे कि थोड़ा स्पाइसी होंगे, बट बहुत ही वाहियात है। इससे अच्छा अंकल चिप्स होते हैं हमारे इंडिया में, कुछ खाओ तो लगता है कि खाया है। स्पाइसेस का अगर मैं बोलूं, कोई भी अगर यहाँ ट्रैवल कर रहा है तो अपने स्पाइसेस लेकर आओ, काफ़ी महंगे हैं यहाँ पर। और मिर्ची के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। जो इनका सबसे हॉट वाला कहेंगे ना, वो हमारे गोलगप्पे के पानी से भी बहुत तीखा होता है। गोलगप्पे का तो बढ़िया बढ़िया नमकीन होता है यार, क्या बात कर रहे हो। मैं कह रही हूं, लोग मिर्ची खाते हैं और जो जिनको स्पाइसी खाना पसंद है वो यहाँ आके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि हम इंडियंस वगैरह है, जितने भी एशियन आसपास, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी हम लोग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हम लोग स्पाइसेस में ज़्यादा ध्यान देते हैं, खाना हमारा स्पाइसी होता है और यहाँ पे कुछ नहीं है। आज इसके साथ काफ़ी एक बड़ा इमोशनल इंसिडेंट हो गया, जहाँ पे ये थोड़ा इमोशनल हो गई। नहीं, अभी थोड़ा रो रही है, अभी क्यों रो रही है? तो स्टोरी सुनाई मैंने सुनाई दे, ये कोई स्टोरी है बताने वाली? नहीं, वो बहुत बेहतरीन स्टोरी है। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। आज कि ये यूट्यूब में कुछ सर्फिंग कर रही थी, ऐसे कुछ देख रही थी यूट्यूब में वीडियो, सफरिंग कर रही थी, सफरिंग होती है। तो ये सर्फिंग कर रही थी, मतलब कुछ देख रही थी यूट्यूब में, और सडनली एक बंदे का इसको देखा जो अपने घर का होम टूर दे रहा था, अपने अपार्टमेंट का वो होम टूर दे रहा था इंडिया में। तो इसको लगा यार सही लग रहा है ये, मैं देखती हूँ। और जब इसने वो वीडियो देखना शुरू किया और जब इसको थोड़ी देर में उसको पता चल गया वो एक्चुअल में जिस घर का वो होम टूर दे रहा है वो एक्चुअल में हमारा जो नोएडा वाला घर है जो हमने रेंट पे दे रखा है और रेंट पे दिया, वो उसका होम टूर था। और वो बिल्कुल अपना घर देख के बिल्कुल इमोशनल हो गई कि बहुत मन से हम लोगों ने वो घर लिया था और काफ़ी ज़्यादा इमोशन थे और बहुत स्ट्रगल भी हमने किया था वो घर लेने के लिए। फिर पूरा पेंट वेंट सब कुछ अपने हिसाब से कराया था, बट सडनली फिर यहाँ आना पड़ गया हमको और फिर हमको कहीं ना कहीं वो घर छोड़ना पड़ा। तो वो अब वो कोई और रह रहा है वहाँ पे, अभी टेनेंट है वहाँ पे, बट ये है कि वो लोग अपने यूट्यूब चैनल में उसको दिखा रहे थे। तो वो हमारे लिए, वो इसके लिए तो बिल्कुल ही नॉस्टैल्जिक हो गया, बिल्कुल बहुत नॉस्टैल्जिक मोमेंट था। मैं तो फिर भी मतलब घर का सारा काम होने के बाद एक महीने रही थी मैं वीजा वगैरह के चक्कर में, बट अपना सोचो मैंने घर लिया था और मैं आ गया था। चलो यार अब हमको कहीं यूके वगैरह जाना नहीं है, क्योंकि पहले था प्लान, फिर कोविड आ गया, प्लान इधर उधर हो रहे थे, कंपनी थोड़ा सही नहीं चल रही थी, बट फिर हमको लगा कि यार ठीक है अब फाइनली घर ले लेते हैं। फिर यहाँ से वहाँ से कैसे करके हमने वो पूरा घर लिया, मतलब। और इंडियन माइंडसेट की अगर मैं बात करती हूँ तो यही होता है, घर ले लिया मतलब अब सेटल लाइफ, अब मतलब वही है कि बच्चों की पढ़ाई ये सब देखना है, सब कुछ सेट है। और फिर ऑल ऑफ अ सडन मकान तुमने लिया और अचानक से तुम्हें मूव करना है, फिर स्क्रैच से स्टार्ट करना है और जब यहाँ पे आए तो अब फिर से वही रेंटेड घर और सब कुछ, अपने घर की फीलिंग अलग होती है। और इंडियंस एज अ इंडियन हम लोग घर बहुत बड़ी चीज़ है। Thank you.
फाइनली हम लोग थोड़ा सा पानी में अरुअर में खेल के आ चुके हैं और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे घर। और घर में थोड़ा डिनर के लिए हम लोगों ने थोड़ा चिकन विकन ले रखा है, तो आज कुछ एयर फ्रायर में हम लोग कुछ फ्राई करके वही खाएंगे जो भी है। और उसके बाद तब तक आप थोड़ा सा एंजॉय करिए मेरे साथ ये व्यू के साथ ये बढ़िया सी आवाज़ और ठंडे पानी में पैर डाल के स्ट्रेस होता है कम। ये है फन फैक्ट आज का। और बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को पक्का प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्लस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।